हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सबने एसटीएम रूल्स का पेपर व्यू देख लिया होगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग रहा, क्योंकि यहां पर हमें कई सारे टाइटल चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, न्यू टैग टीम चैंपियंस, और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन कर फिर से बन चुके हैं 3-टाइम यूनिवर्सल चैंपियन। और साथ ही साथ हम सब ने देखा कि अंडरटेकर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही इस मैच में, और कह सकते हैं हमने जितना इस मैच से एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही हमें देखने को मिला। बट बात करें कि अब आगे अंडरटेकर एंड रोमन रेंस के साथ क्या कुछ होने वाला है, तो गाइस इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों एक्सट्रीम रूल्स में ब्रॉक लेसनर ने कैश इन किया अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और वो बने न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। इसके अलावा एक्सट्रीम रूल्स खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा दी डेड मैन अंडरटेकर के बारे में, तो गाइस इन सब अपडेट्स में हम सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि हम सब ने एक्सट्रीम रूल्स में देखा कि अंडरटेकर एंड रोमन रेंस ने हरा दिया शेन मैकमैन एंड ड्रू मैकएंटायर को, जबकि यहां पर अलायंस ने पूरे मैच में हेल्प की शेन मैकमैन एंड ड्रू मैकएंटायर के। तो आप सबको बता दूं कि इस मैच के खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने कई सारी बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये वीक मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि इस वीक में मेरे साथ कई सारी चीजें हुई, जैसे कि मैंने ESP अवार्ड जीता, इसके अलावा द रॉक के साथ मैंने अपने फिल्म हॉब्स एंड शॉ का प्रीमियर अटेंड किया, और आज मैंने टीम अप किया द डेड मैन अंडरटेकर के साथ। और इन सब में से जो मेरे साथ सबसे अच्छी चीज हुई वो हुई आज एक्सट्रीम रूल्स में, जब मैंने टीम अप किया द डेड मैन अंडरटेकर के साथ, क्योंकि जब आप किसी लेजेंड के साथ एक टैग टीम में रहते हो जिसे कि फैंस रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और वो अभी भी WWE में टॉप पर है, जैसा कि हम सबने आज देखा कि वो रोप पर चल रहे थे, टोम स्टोन लगा रहे थे, चोक स्लैम लगा रहे थे, तो ये कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है किसी लेजेंड के साथ एक टैग टीम में रहना। तो गाइस यही कुछ चीजें कही रोमन रेंस ने अपने मैच के बाद। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़े कि आखिर क्यों ब्रॉक लेसनर ने एक्सट्रीम रूल्स में सेथ रॉलिंस पर कैश इन कर जीत लिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो जैसा कि हम सबने आज एक्सट्रीम रूल्स में देखा कि बैकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस ने लेसी एवेंस एंड बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट एक काफी जबरदस्त मैच के बाद रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। बट तभी एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की और वो आकर सेथ रॉलिंस पर कैश इन कर बन जाते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, जो कि कह सकते हैं एक्सट्रीम रूल्स का एक काफी बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। लेकिन बात करें कि आखिरकार ब्रॉक लेसनर ने एक्सट्रीम रूल्स में कैश इन क्यों किया, तो गाइस आप सबको पता ही है कि समर स्लैम अब WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है, जिसे कि रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा पेपर व्यू माना जाता है। और हम सब जानते ही है कि सेथ रॉलिंस एज ए यूनिवर्सल चैंपियन उतनी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे WWE को रेटिंग ड्रॉ करने में और WWE के शोज की टिकट सेलिंग करवाने में। और हम सब जानते ही है अगर WWE समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर का नेम यूज करती है या कहे उनका कोई मैच करवाती है, जो टिकट ऑटोमेटिक बिकेंगे। इसलिए अगर कुल मिलाकर रीजन देखे तो वो ये है कि WWE ने ब्रॉक लेसनर को चैंपियन इसलिए बनाया ताकि उनकी गिरती हुई रेटिंग्स को रोका जाए। बट अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रॉक लेसनर हेल्प कर पाते हैं WWE को उनकी गिरती हुई रेटिंग्स को अप करने में या फिर नहीं। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है अंडरटेकर एंड रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं अभी अंडरटेकर एंड रोमन रेंस हमें एक टैग टीम में देखने को मिले थे एक्सट्रीम रूल्स में, बट इसके काफी कम चांसेस है कि वो हमें आगे भी एज अ टैग टीम देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि अब रोमन रेंस की हमें किसी न्यू सुपरस्टार के साथ फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखे, और पॉसिबली रोमन रेंस के समर स्लैम के अपोनेंट जो निकल कर आ रहे थे वो थे रैंडी ऑर्टन। बट आप सबको बता दूं कि रैंडी ऑर्टन को तो हो चुकी है अभी नेक इंजरी, इसलिए उनके चांसेस तो काफी कम है। इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होता है। बट हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द चैंपियनशिप पिक्चर में आ जाए। वहीं बात करें अंडरटेकर की, तो अंडरटेकर के समर स्लैम के पॉसिबल अपोनेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, जो कि है स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकएंटायर। और इस मैच की हिंट हमें आज समर स्लैम में भी देखने को मिल रही थी, यानी कह सकते हैं अंडरटेकर के जो अपोनेंट हो सकते हैं वो है ड्रू मैकएंटायर। बट रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाले इसके रिलेटेड कुछ भी अभी रूमर नहीं है, बट नेक्स्ट रॉ में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर बताइए कि आप किस सुपरस्टार को रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।